दोस्तों मैं बात करूंगा शिवानी कुमारी की, और शिवानी कुमारी की बात इसलिए करूंगा क्योंकि वो बिग बॉस में गई हैं और बिग बॉस में उनके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। राइट, बिग बॉस में शिवानी कुमारी को जब मैं देखता हूं बिग बॉस पर, वो एक एक पल जब भी वो टाइम अपना स्पेंड करे तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ एज ए विलेज बॉय, या फिर एज ए बोल लो ऐसा पर्सन जो कि एक सोचता है कि मैं आगे बढ़ूं और वो बढ़ता है, और उसे देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। और उस लड़की की बात एक आपको बता दूं जो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी लैंग्वेज नहीं भूल रही है। बहुत लोग अपने रूट को भूल जाते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको देखा होगा आप लोगों ने कि वो अपनी जड़ को भूलना शुरू कर देते हैं थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ते हैं। शिवानी कुमारी ने अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया है, अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया है। वो लैंग्वेज बहुत लोगों को चुभ रही है। बहुत लोग क्या कहते हैं कि उस टाइप की लड़की एक नंबर गंवार है, वो लड़की अगर टॉप 3 में आ जाएगी तो फिर मैं 2.5 लाख रुपए दूंगा। ये मैक्सटन के ट्वीट थे जो कि मैंने इस पर इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाली थी एक, और हमारे एल्विस भैया ने एक वीडियो बनाकर बताया। उन्होंने कहा कि उसकी आवाज चुभती है और एक भाई से नकल भी करवाई। दिस इज नॉट गुड बिकॉज एल्विस भाई को हमने बहुत सपोर्ट किया। मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं। यूट्यूब पर है एक यूट्यूब वाले बाबा ने खुलकर सपोर्ट किया था एल्विस यादव को। हम सब ने एल्विस यादव को सपोर्ट किया था, ओट भी किया था जब बिग बॉस ओटीटी पर गए थे। तो एल्विस यादव एज ए विनर, उनको किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए, एल्विस यादव को न्यूट्रल रहना चाहिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, एल्विस यादव का कुछ भी हो सकता है। आप लोग नीचे कमेंट में भी बताना क्या पर्सपेक्टिव है। अब बात करते हैं कि कौन डिजर्व कर रहा है बिग बॉस में रहना और कौन डिजर्व नहीं कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं इतना जानता हूं कि जो लोग नाम कमा चुके हैं, जो फेम कमा चुके हैं, उन्हें तो बहुत जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर शिवानी कुमारी को थोड़ा बहुत हम लोग सपोर्ट कर देंगे और वो लड़की विनर बन जाती है या रन अप पहुंच जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। राइट, वो ऐसे गांव से गई है जहां पर लोग पढ़ने तक बहुत कम लोग जाते होंगे, और वो ऐसे अपने परिवार से निकली है। 4 बहनें हैं, पापा नहीं है, मम्मी जी हैं, और 4 बहन जिनमें से 2 बहन की शादी हुई है, और शिवानी और इसकी छोटी बहन दो लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं। लोगों ने क्या नहीं कहा होगा, बुरा भला कुछ भी नहीं छोड़ा होगा कहने से। राइट, यही होता है कि ये जो समाज है हमारे आसपास के लोग, ये हमें जब तक बुरा कहेंगे, जब तक हम प्रूफ नहीं कर देंगे कि हम कुछ सही कर रहे थे। राइट, तो इन समाज के बारे में तो कुछ डिस्कस ही नहीं करना। लेकिन शिवानी कुमारी के ऊपर मैं प्राउड करता हूँ, आई प्राउड ऑफ यू, क्योंकि बोलना कुछ नहीं होता है, बोलना एक लैंग्वेज जो है ना, एक कम्युनिकेशन का साधन है बस। राइट, एक लड़की अभी कुछ दिन पहले टॉप किया था यूपी की, और उस लड़की की मूंछें दिख रही थी, आ गई थी, तो उस पर लोगों ने कितनी ट्रोलिंग की थी। तो ये समाज ही है, ये समाज इतना ऊपर उठा देता है और इतना ही नीचे करता है। तो इस समाज को हमें ज़्यादा नहीं भाव देना है, नहीं देखना है, हमें अपने काम पर फोकस रखना है, हमें अपने रूट पर फोकस रखना है, हमें अच्छे से काम करना है, मेहनत करना है, और नॉलेज होनी जरूरी है। और लैंग्वेज जो है ना, ये सिर्फ हमारे कम्युनिकेशन का साधन है और कुछ नहीं है। लैंग्वेज से हम सिर्फ एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या मैं बात नहीं कर पाऊंगा? यस, बात कर पाऊंगा, हिंदी में करूंगा या ट्रांसलेट करके करूंगा। मुझे अवधी लैंग्वेज आती है, मुझे और भी बहुत सारी लैंग्वेज मैं सीखने की कोशिश करता हूं, तो क्या इसमें बुराई है? नहीं। आपके अंदर अगर एक देसी लैंग्वेज है, अच्छी बात है, आप एक अपनी लैंग्वेज भी सीख लो जो सारे आम लोग बोलते हैं, और आप अपनी बात को रख रहे हो। आपके घर पर अगर जिस तरीके से माहौल होता है, गांव में माहौल क्या होता है, गांव में ये होता है, मैं एक बिग बॉस में एक सीन देख रहा था, मैं आपको बताऊं, उसमें सीन ये देखा कि बर्तन किसी ने धोया और बर्तन में जूठन लगा रह गया, और शिवानी कुमारी ने पूछा कि ये बर्तन आपने धोया, तो उसी में से किसी एक पर्सन ने बोला हाँ मैंने धोया और इसको ऐसे रख दे। उसने कहा हमारे घर पे तो ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद अरमान मलिक की बात आई, अरमान मलिक जो कि बंदा, तीनों लोग ये गए हुए हैं, ठीक है, 2 वाइफ और खुद अकेला, ये 3 लोग ये बिग बॉस में हैं। ये दिखाना क्या चाहते हैं, आई डोंट नो वाई कि क्या दिखाना चाहते हैं, बट मैं आपको बताऊं, शिवानी कुमारी भैया 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 बोलती रही, और उसको ये इस तरीके से प्रोवोक करता, मतलब अलग तरीके की बातें करता कि मतलब शिवानी कुमारी गलत है, वो आई ही क्यों है, वो गांव से आई ही नहीं सकती थी, वो डिजर्व भी नहीं करती थी। राइट, ऐसे लोग, और घर वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शिवानी कुमारी को सपोर्ट नहीं करते होंगे। बहुत सारे फुटेज हमें नहीं दिखाई जाता, बहुत सारे दिखाया जाता है, जितना हम देख पाते हैं उतने पर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन शिवानी कुमारी को लेकर आप लोगों का क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर शिवानी कुमारी को सपोर्ट करना चाहते हो आप, तो नीचे कमेंट करके लिख देना। राइट, मैं खुल्ला कह रहा हूं माय डियर कि शिवानी कुमारी को इसलिए सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि शिवानी कुमारी अगर आगे बढ़ेगी तो उसके गांव के लोग और निकलेंगे, और उस समाज से लोग निकलेंगे, आगे बढ़ने के लिए निकलेंगे। राइट, गलत को गलत, सही को सही कहेंगे।
नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और टेक इंडियन सपोर्ट हमेशा सपोर्ट करता रहेगा शिवानी कुमारी को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।